हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैक। आप सभी का स्वागत है इस विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के डे फोर में, जहां पर हम जनरल स्टडीज वन पेपर के फोर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विजय मेंस आंसर राइटिंग के अंदर हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मदद करने के लिए डेली बेसिस पे फोर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आज डे फोर के भी चारों क्वेश्चंस आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर से जाकर उनको डाउनलोड कर लिया होगा और उनके आंसर्स खुद लिखे होंगे, और फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ रात में करते हैं, शाम को करते हैं, ताकि जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं, जो भी अप्रोच आपने क्वेश्चंस में यूज किया है, उसको हम लोग टैली कर सकें और फिर उसको इम्प्रूव करने के ऊपर काम कर सकें। तो आज के चार क्वेश्चन एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमने फोर मार्कर का आपसे पूछा था, दैट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन था अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फोर मार्कर क्वेश्चंस अगेन टू द पॉइंट आंसर्स आपको लिखने होते हैं, कम से कम शब्दों के अंदर, क्योंकि वर्ड लिमिट हमें सिर्फ 60 वर्ड्स की दी गई रहती है, वी हैव टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी कैन। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको बताना है, हाईलाइट करना है, मेंशन करना है द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहां पर आपकी रिवीजन भी हो जाती है ऐसे आंसर्स को लिखने में कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके क्या प्रोविजंस थे। मैंने यहां पर आपको काफी प्रोविजंस लिखे हैं और 60 वर्ड लिमिट आप देख रहे होंगे वो यहां पर क्रॉस हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें से कुछ ही प्रोविजंस आप एक्चुअल आंसर में लिख कर आओगे और वहां पर आपको ये सारे प्रोविजंस याद भी नहीं रहने वाला, इतना टाइम भी नहीं रहने वाला है। सो यू हैव टू चूज कि कौन से प्रोविजंस आप वहां पर लिख कर आएंगे। यहां पर थोड़ा बड़ा आंसर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपके नोट्स की तरह भी काम करेगा, रिवाइज करने के लिए भी आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो 1773 के प्रोविजंस मैंने लिस्ट कर दी, जैसे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको, उसमें उस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का थोड़ा सा ओवरसाइट, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से रूलिंग एंटिटी बन गई थी, जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर राज कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। तो उसमें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को, मिलिट्री रोल को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रही कंपनी, अब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नाउ इट इज अ रूलिंग एंटिटी, और ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन इस एक्ट के अंदर जो है वो डाले गए, राइट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे। अब जब प्रोविजंस की बात करते हैं तो प्रोविजंस को लिखने से पहले, लिखते हुए आप पहला पॉइंट क्या दोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा एक्ट का, राइट। सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप आंसर्स को लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली बेटर होगी। तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहली कुछ लाइन से बता दिया कि कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है कंपनी के फंक्शंस को, क्योंकि कंपनी अब एक रूलिंग बॉडी बन चुकी है। उसके बाद मैंने प्रोविजंस लिख दिए कि जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनको सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को उनको सबमिट करनी पड़ती थी। बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के करने के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया, उसकी एक काउंसिल बनाई गई जिसमें सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के चार मेंबर्स रखे गए। वॉरेन हेस्टिंग्स और चार दूसरे मेंबर्स को इस एक्ट के अंदर नेम दिया गया, उनको नेम किया गया, इस एक्ट में नाम लिखा गया कि ये लोग गवर्नर जनरल बनने वाले हैं और गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर होने वाले हैं, और फ्यूचर के जितने भी मेंबर और गवर्नर जनरल होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। ये सारी प्रोविजन यहां पर डाली गई कि दे विल बी इलेक्टेड बाय द कंपनी, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द गवर्नर जनरल कुड एक्सरसाइज सम पावर्स ओवर बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी एक प्रोविजन में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था बंगाल में, राइट, जिसकी ओरिजिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन थी, और इसमें जितने भी ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन बनने वाले थे, जो इंडिया के लोग थे, वो वहां पर जाकर के अपने केसेस को जो है लड़ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ कलकत्ता के अंदर जो है वो डिफाइन की गई थी, ताकि जो भी इंडिया के लोकल लोग हैं उनकी जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं उसको लेकर के यहां पर आप जो है अपना केस कर सकते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट दे वर इम्यून इफ दे डिड एनीथिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, कि जो कंपनी के लोग थे और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे, वो इम्यून थे यहां पर किसी भी तरीके की ज्यूरिसडिक्शन से, किसी भी तरीके की केसेस से। तो ये सारे सेलेंट प्रोविजंस मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए, इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, ये कुछ इनिशिएटिव जो है वो आप यहाँ आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मॉडर्न आर्किटेक्चर का सेलियंट फीचर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है एचपीएस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसी लाइन पे क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होने के भी चांसेस बनते हैं। तो यहां पर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि डाइवर्स आर्ट और आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, और बुद्धिज्म के रिलीजन के ऊपर इनका बहुत बड़ा जो है वो इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हम पैलेसेस, पिलर्स और केव्स की हम लोग बात कर देंगे, जैसे कि मॉडर्न आर्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पैलेसेस हैं,
मेगास्थनीस बताता है कि मौर्यन एम्पायर के जो पैलेसेस हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन उस टाइम के रहे हैं, और जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जैसे फाहेन, वो भी इन पैलेसेस को गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद अशोकन पिलर्स बने हैं, चुनार सैंडस्टोन के पिलर बने हैं, और ये ग्रेट सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा जो अशोकन पिलर्स के ऊपर डिफरेंट अबेकस बनते हैं, कैपिटल बनती है, उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आप जो मौर्यन एम्पायर के दौरान केव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पर्शियन आर्किटेक्चर के साथ सिमिलैरिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मौर्यन और आर्किमेनियन पिलर्स में आपको पॉलिश सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पैलेसेस थे दे वर इंस्पायर्ड बाय द एकेमेनिड पैलेसेस एट द टाइम, राइट। सो ऑल दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर। तो हर इसी तरीके से आपको अगर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पूछ लिया जाए, मुगल आर्किटेक्चर पूछ लिया जाए, विजयनगर आर्किटेक्चर पूछ लिया जाए, तो ये सभी आर्किटेक्चर्स के कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको वहां पर याद होने चाहिए जो इन चार मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे। और बेसिकली चार या पांच फीचर्स आपको याद होने चाहिए, अगर चार नंबर का क्वेश्चन है तो चार या पांच फीचर्स आप वहां पर लिख कर आते हो तो आपको एक अच्छे मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट इज एन 8 मार्कर क्वेश्चन। So the question is related to the rock cut architecture. So the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss करो। तो एक statement दे दी है जो काफी straight forward statement है कि जो rock cut architecture है वो भारत का जो इतिहास है, खासतौर पे जो ancient history है, उसकी नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें अपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता कहां से चलता है, रॉक कट आर्किटेक्चर से। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको प्रूव करना है एक तरीके से। अगर इसको डिस्कस करने का मतलब है तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में अपने जितने भी व्यू पॉइंट्स है वो यहां पर मेंशन करने हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें लिख दी, पहले रॉक कट आर्किटेक्चर को डिफाइन कर दिया कि ये होता क्या है, प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर By carving out of the solid natural rock, एक पूरी solid natural rock को carve out करके हमने एक structure बना दिया है। और Indian rock cut architecture जो है वो एक बहुत important source है हमारी history का, खास तौर पे हमारे ancient religions के बारे में, और artwork of global importance हमारे इस rock cut architecture के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें stone carvings हैं, significant achievements of structural engineering है, और wall paintings, mural paintings भी हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या चीजें हमें अपनी ancient history के बारे में यहाँ पर पता लग रही है, हमें वे ऑफ लाइफ पता लग रहा है, और ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर प्रूव किए। मैंने एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया कि वे ऑफ लाइफ बाराबर केव्स में हमें पता चलेगा कि कैसे टूल्स यूज किए जाते थे प्रीहिस्टोरिक पीपल के द्वारा। लोमा ऋषि केव में हमें जातक टेल्स जो उस टाइम पर शायद लिखी गई थी, उस टाइम पर बहुत पॉपुलर थी, उनके बारे में हमें पता लगता है, उनकी पेंटिंग्स हमें लोमा ऋषि केव्स में देखने को मिलती है। तो वहां के उस वक्त के लोगों की आइडियोलॉजी, उस वक्त के लोगों का रहन सहन वो हमें पता लग रहा है। ट्रेड किस तरीके का होता था पुराने टाइम में इसके बारे में पता लगता है, क्योंकि एक्टिव इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इन रॉक कट आर्किटेक्चर्स के अंदर मिलती है। इसके बाद कन्हेरी और अजंता के केव्स में हमें एसोसिएशन बिटवीन द रिलीजन एंड कॉमर्स देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेडर्स के कंट्रीब्यूशन से बहुत सारी केव्स बनी है। तो हमें पता लग रहा है कि कैसे जो ट्रेडर्स थे उस टाइम की, जो मर्चेंट सोसाइटी थी, वो रिलीजन और ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करती थी। इसके बाद भज केव जो है वहां पर एज ओल्ड ट्रेड रूट जो कि अरेबियन सी से डेकन प्लेटू तक था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक वॉल पेंटिंग अंदर मिलती है। सो दीज आर ट्रेड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। रिलीजन के बारे में मिल गई, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, इन सभी सेक्ट से जुड़ी हुई हमें बहुत सारी ऐसी केव्स मिलती हैं, इनके स्क्रिप्चर्स वहां मिलते हैं, इनसे जुड़े हुए जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं, वो हमें वहां पर मिलते हैं। ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल्स के साथ यहां पर मेंशन किए हैं, और ये बहुत जरूरी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि व्हेनेवर यू आर गिविंग सम आर्ग्यूमेंट्स आप उसके लिए कुछ एग्जांपल्स वहां जरूर जो है सपोर्ट के तौर पर मेंशन करिए। फिर आती है पॉलिटिक्स की बात कि किस तरीके की जो सोसाइटी और जो पॉलिटी है वो वहां पर एस्टैब्लिश थी, जैसे कि किंग्स के द्वारा पेटर्नाइज स्ट्रक्चर्स बनते थे, जैसे कि अशोका ने बराबर केव्स बनवाया, एलोरा केव्स राष्ट्रकूटास के द्वारा बनवाई गई, चालुक्या और सतवाहना ने बदामी में केव्स बनवाई, एजुकेशन सेंटर थी कन्हेरी केव्स वर एजुकेशन सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई सिस्टम आपको कन्हेरी केव्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। मंडपेश्वर, अ स्मॉल केव एट द एंट्रेंस शोज इक्वालिटी ऑफ जेंडर इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ डोनर कपल्स, वहां पर मेल फीमेल दोनों ही पार्टनर्स जो हैं उनके बारे में दिखा गया है कि सिर्फ मेल्स का नाम नहीं है कि इन्होंने ये मंदिर बनवाया है, उनकी फीमेल जो पार्टनर्स हैं, उनकी जो वाइव्स हैं, उनका भी नाम लिखा गया है। तो इस सोसाइटी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें इस तरीके के रॉक कट आर्किटेक्चर से मिलती है, ठीक है। तो फिर कंक्लूजन लास्ट में देना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर डिस्कस लिखा हो, कमेंट करने को बोला हो, ठीक है, आपसे इस डायरेक्टली पूछा हो कि डू यू एग्री और डू यू थिंक
ठीक है, तो वहां पर आपको लास्ट में कंक्लूजन देना मस्ट होता है। तो मैं कह रहा हूं देयरफॉर रॉकेट आर्किटेक्चर हेल्प्स टू ट्रेस द लाइफ इन इंडिया फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड इट्स एवोल्यूशन थ्रू सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एंड हाउ इट चेंज द इंडियन वे ऑफ लाइफ। फाइनली लेट अस नाउ टॉक अबाउट द 20 मार्कर क्वेश्चन। जो 20 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, दिस इज 400 वर्ड्स एंड 20 मार्क्स, राइट। और इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा कि व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स That contributed to the growth of Indian nationalism after 18th century. 18th century के बाद किन factors की वजह से Indian nationalism की growth हुई है? तो मैंने introduction में बोला है कि ये जो nationalism है, it was an Indian response to the system created by the British Raj. British Raj ने नए institutions बनाए, British Raj ने नई opportunities और resources पैदा किए, और इसकी वजह से Indian nationalism का rise हुआ। अब इसको आप reaction भी कह सकते हैं और इसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लेके आए उसकी वजह से नेशनलिज्म बन पाया, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लेके आए उसके अगेंस्ट नेशनलिज्म बना। दोनों ही चीजें जो है यहां पर ट्रू हैं। कुछ पार्ट्स ऑफ नेशनलिज्म दे वर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसके अगेंस्ट हमने अपने नेशनलिज्म को असर्ट किया। कुछ हमारे नेशनलिज्म इसलिए भी जो है स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें नए नए आइडियाज, नए इंस्टीट्यूशंस लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हुए और उसके बाद उन्होंने नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्वीकारा, राइट। तो फिर मैंने यहां पर लिखा है कि इनफैक्ट इट वुड बी मोर करेक्ट टू सी इंडियन नेशनलिज्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स। पहले तो पूरी दुनिया के अंदर हमें नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा हुआ होता है देखने को मिलता है, जैसे कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने नेशन के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इंडियन रेनेसांस ऑफशूट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, कि ब्रिटिश ने जो एजुकेशन भारत के अंदर बढ़ाने का काम किया, जो यूरोप के आइडियाज भारत के अंदर लाने का काम किया, उससे भी जो भारत के लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो जागी है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको भी समझनी होंगी। ब्रिटिशर्स का जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी था वो किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करते थे, तो उससे हमारे अंदर रिजेंटमेंट भी आया, उससे इंडियंस जो नेटिव पीपल थे उनके अगेंस्ट जो है गुस्सा भी आया, जिससे नेशनलिज्म को ज्यादा ताकत मिली। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स नई चीजें लेकर आए थे बाहर से, और जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता चला, हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में भी पता चला, तब हम और ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आया, और एजुकेटेड होने के बाद हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए कि यस हमारा नेशनलिज्म जो है वो होना चाहिए। तो फैक्टर्स और क्या रहे, तो मैंने यहां पर लिख दिया वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, ठीक है, नई एजुकेशन आ रही है, नए आइडियाज की, जैसे नेशनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेटिज्म क्या है, ये सारे आइडियाज भारत के अंदर मिले, ठीक है। इंग्लिश एजुकेटेड क्लास जो बन गई थी, अब जो नई इंडिया के अंदर क्लास थी जो इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ी थी, वो एक तरीके से इंटेलिजेंट क्लास हो गई और वो समझ गई कि किस तरीके से अपने राइट्स के लिए उन्हें स्ट्रगल करना चाहिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट उन्हें करना चाहिए, जो पुराने चले आ रहे सिस्टम है उसको किस तरीके से चैलेंज किया जाना चाहिए। फिर आगे रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, बहुत सारी चीजें जो आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो पहले लोगों को नहीं पता थी। अंग्रेजों के आने के बाद कुछ रिसर्च ऐसी हुई जो हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हमें पता चला हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स के बारे में, तो और ज्यादा लोगों को पता चला कि यस हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो हिस्ट्री है वो और ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम ये भी जरूर मेंशन करेंगे कि पुराने टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंस्टीट्यूशन थे, हमारा फ्लरिशिंग ट्रेड था दूसरे दुनिया के साथ, हमारा रिच हेरिटेज थी आर्ट्स और कल्चर में, हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, तो ये सारी चीजों ने भी हमारे अंदर जो है प्राइड, हमारे अंदर जो गर्व है उसको यहां पर बनाया। उसके बाद यूरोपियन स्कॉलर्स ने हिस्ट्री एक थ्योरी लाई थी कि इंडो आर्यंस बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जिससे हमें ये हुआ कि यूरोप के अंदर अगर एवोल्यूशन हो सकता है, अगर डेवलपमेंट हो सकता है, तो इंडिया के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इससे इंडिया को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, क्योंकि पहले तो इंडिया अलग अलग रियासतों, किंगडम्स, किंग्स के अंदर बटा हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सारा चीज यूनाइट हो गया एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये भी हमारे अंदर फीलिंग आई कि पॉलिटिकल यूनिटी भी है भारत में, ठीक है। प्रोफेशनल सिविल सर्विस है, साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट के वेस्ट में जा रहे हैं, तो ये जो यूनिटी बनी, दिस यूनिटी वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल टू इंस्टिल अ फैक्ट कि यस ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ये एक कंट्री है, ये एक नेशन है। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालयस टू द केप कोमोरिन इन साउथ, यानी कि जो आज कन्याकुमारी है, एंड पीपल जो है वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ हो गए कि अब हमें ब्रिटिशर्स ने यूनाइट तो कर दिया, लेकिन नाउ वी ऑल आर एक्चुअली अ वन नेशन विच इज रूल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन पावर, और हमें उसे आजाद होना है। तो ये नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं।
तो ये अप्रोच मुझे लगता है आप लोगों ने भी अपने आंसर्स के अंदर इसको इंक्लूड किया होगा। जैसे आंसर्स आपने लिखे हैं उसमें इस अप्रोच को भी जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और बेटर आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर आपके मार्क्स जो है उतना अच्छी आपके जो आंसर राइटिंग स्किल्स है होने वाली है। और इसी में आपकी मदद करने के लिए वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द मेंस क्रैश कोर्स पैक एज वेल एज अ मेंस टेस्ट सीरीज पैक। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको यहाँ पर जो दोनों आइकन दिख रहे हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाता है इन कोर्सेज के ऊपर जाने का, जहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के स्टार्टर पैक्स को देख सकते हैं। इन कोर्सेज में क्या चीजें आपको सूट करती हैं वो चीज आप देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वॉन्ट टू टेक दिस कोर्स और नॉट। क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहां पर डिलीजेंटली हम लोग टेस्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर वो टेस्ट हम आपके इवेल्युएट भी करते हैं, चेक करते हैं, उसका पर्सनल फीडबैक आपको कॉल के ऊपर भी देते हैं कि कैसे आंसर्स आप इंप्रूव कर सकते हो, कौन से आंसर्स आपने अच्छे लिखे हैं, कौन से आंसर्स में ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ऑल दीज थिंग्स आर पर्सनल गाइडेंस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो ऑल दीज कोर्सेज, बोथ दीज कोर्सेज, दे आर करंटली अवेलेबल एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस। गो अहेड एंड चेक दीज कोर्सेज आउट। और इसी की तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी लगातार कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।